कैसे हो आप? क्लास 12 मैथमेटिक्स के आज की इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे चैप्टर 8, जो कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में जैसा कि 2020 एंड 2021 के अकॉर्डिंग सीबीएसई ने कुछ चैप्टर डिलीट किए हैं, जो कि एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो एक्सरसाइज 8.2 के कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि दो कर्व के बीच में एरिया बनाएंगे, उनको डिलीट किया गया है। और साथ ही साथ मिसेलिनियस एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनको डिलीट किया गया। उनको छोड़ते हुए हम बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से ही पता, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन। बाउंडेड रीजन का मतलब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी लाइन आपस में इस तरह से कट कर रही है, तीन लाइन आपस में कट कर दी, तो इनके बिटवीन आपकी रीजन हो सकती है। या हो सकता है कोई कर्व है, कर्व ऐसे मूव करना चाह रही है, ऐसे चल रही है, ठीक है ना, और कोई लाइन इसको ऐसे कट कर दी, तो कर्व और लाइन के बिटवीन आपको एरिया फाइंड करनी पड़ सकती है। और अगर हमारे कर्व टू कर्व डिलीट नहीं किया हो, तो मान लीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, और एक मान लीजिए कर्व आपके पास ये है, इनके बिटवीन जो रीजन है इन रीजन को, तो इसका मतलब एरिया बाउंडेड रीजन का मतलब यही होता है कि हम लाइन के बिटवीन या लाइन और कर्व के बिटवीन या कर्व और कर्व के बिटवीन जो एरिया होती है, जो रीजन बनता है, जो इनके बीच की जो एरिया बनती है, उस एरिया को कैसे फाइंड करेंगे। वैसे भी एरिया फाइंड करने के लिए आप लोग क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं, नॉर्मली बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर है ग्राफिकल मेथड से और इंटीग्रेशन के प्रोसेस बेसिस पर हमें लिखा जाता है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ दिस साइडेड रीजन, या फाइंड द एरिया रीजन बिटवीन द टू कर्व या बिटवीन द लाइन एंड कर्व, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को जाने से पहले हमें इसके बारे में जान लेना होगा कि सबसे पहले एरिया किस तरह से पूछी जाती है। तो इसके लिए आप सबसे पहले उसके फॉर्मूले को जान लीजिए। ये तो मैंने आपको टाइप्स लेकर बताया था कि इन तरह के क्वेश्चंस को हमें पढ़ना है। अब मान लेते हैं हमने कोई कर्व ले लिया, लेट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बी एनी कर्व है, ठीक है ना, कर्व है। अब इस कर्व का, ये कर्व कोई भी हो सकता है, चाहे वो पैराबोला का हो, एलिप्स का इक्वेशन हो सकता है, हाइपरबोला, कोई भी इक्वेशन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वाई इज इक्वल टू एफ एक्स भी एनी कर्व है, और इसका जो रीजन है, रीजन हमें इनकी जो एरिया फाइंड करनी है वो बिटवीन एक्स इज इक्वल टू टू एंड एक्स इज इक्वल टू बी एंड साथ ही साथ एक्स एक्सिस, इनके बिटवीन जब इस कर्व को हम ड्रा करते हैं और वह एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी और एक्स एक्सिस के बिटवीन जो एरिया बनाती है, उसकी एरिया, उस रीजन की एरिया फाइंड करनी हो, तो उसके लिए आप मान लेते हैं, लेट अस मान लीजिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और कोई हमने ले लिए कि मान लेते हमारे पास एक कर्व है, जैसे कि वो इस तरह से मूव कर रहा है, सपोज कीजिए इस तरह से मूव कर गया, ठीक है ना, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा कर्व है जो कि इधर से ऐसे मूव कर रहा है, और हमें बोला गया कि एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए मीन्स ये लाइन हो गई, आप ये डिस्टेंस जब चलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए, यही ना चलेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए पर चलने के बाद हमने यहाँ से लाइन खींच दिए, और दूसरी बार एक्स इज इक्वल टू बी चलने का मतलब यहां से एक्स इज इक्वल टू बी लाइन चलिए, तो जो पॉइंट आता है इस पॉइंट को अगर इससे ज्वाइन करा दे तो ये एक्स इज इक्वल टू बी के लिए हो गया। तो एक्स इज इक्वल टू ए एंड एक्स इज इक्वल टू बी, और साथ ही साथ ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस हो गया और ये रीजन हो गया, ये कर्व हो गया, कर्व एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी एंड आपके पास क्या बन जाएंगे, और साथ ही साथ एक्स एक्सिस के बिटवीन जो आपके रीजन बनते हैं, इस रीजन की हमें मान लीजिए एरिया फाइंड करनी है, ठीक है। रीजन की एरिया, अब मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं हमने ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी अगर रीजन की एरिया फाइंड करनी है, तो इसको फाइंड करने के लिए आप क्या कीजिए, इसको बहुत छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रिप में डिवाइड कर दीजिए, और वह स्ट्रिप जो हो, मैंने इसको इस रीजन का नाम बता दिए ए बी सी डी, तो मैं इसको रब कर देता हूँ थोड़ा सा इसको बताने के लिए। अब मान लीजिए कि हमारे पास जो ये कर्व बना है, ये कर्व ए बी सी डी की एरिया फाइंड करने के लिए मैंने इसको बहुत पतले पतले, जैसे बहुत छोटे छोटे, इतना छोटे में डिवाइड करने की ये जो आपकी लाइन है वो सीधी लाइन होगी, और ये कर्व है वो आपकी थोड़ी सी टेढ़ी होगी, लेकिन अप्रोक्सीमेटली ये दोनों बराबर हो जाए, मतलब इतनी पतली आपको बनानी है। ऐसे बहुत छोटे छोटे पतले पतले अगर कर्व बनाते हैं जो रेक्टेंगल शेप का होता है, हर एक रेक्टेंगल ऐसे बहुत सारी बनेंगे, ठीक है ना, ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा बन जाए कर्व, मतलब हमें क्योंकि ये डिस्टेंस और ये बराबर लेकर चलनी है,
तो ऐसे बहुत सारे पतले पतले स्ट्रिप में डिवाइड कर दीजिए, और उसके बाद हर एक स्ट्रिप का, मतलब देखिए ये जो शेप बनाएगा, एक हमने नॉर्मली अपने मन से ले लिया, मान लीजिए एक बड़ा सा आपको दिखाने के लिए, ठीक है ना, बहुत पतले पतले इसको कर्व में डिवाइड करना है, रेक्टेंगल शेप में डिवाइड करना है, स्ट्रिप में पतले पतले पत्तियों में, और वह जो पतली पत्ती होगी ये एक रेक्टेंगल का शेप बनाएगी, एक रेक्टेंगल का शेप बनाएगी। अब रेक्टेंगल का शेप होगा तो उसकी ये पोर्शन कौन सा, ये आपकी मान लीजिए ब्रेथ या वाइड हो गई, और इसकी जो लेंथ होगी, ये लेंथ आप मान लीजिए वाई एक्सिस पर, इसको मान लीजिए वाई मान लेते हैं, और इसकी जो ये आपकी वाइड हो गई, इसको अप्रोक्सीमेटली मैंने डीएक्स मान लिया, एक्स एक्सिस पर डीएक्स मान लिया। तो इसकी जो एरिया निकालेंगे, अगर ये रेक्टेंगल का शेप होगा तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। मैंने एक आर्बिट्री यहां पर मान लिया, आर्बिट्री मतलब अपने मन से कोई भी एक स्ट्रिप ले लिया, हमने यहां पर कह दिया कि ए बी सी डी की एरिया निकालने के लिए आपको पतले पतले स्ट्रिप में इसको डिवाइड करना, यह स्ट्रिप की संख्या बहुत सारी हो सकती है, और हर एक स्ट्रिप के एरिया निकाल कर सबको अगर जोड़ दिया जाए तो ए बी सी डी के एरिया निकल आएगी ना, हर एक स्ट्रिप की, मतलब पतले पतले ऐसे जो स्ट्रिप बनेंगे, हर एक स्ट्रिप की लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर लेंथ ज़्यादा हो सकती है, ब्रेथ आपकी जितनी यहाँ होगी उतनी अप्रोक्सीमेटली लेनी ही है, क्योंकि बहुत पतली मैं बात कर रहा हूँ, है ना। उसी तरह से यहाँ पर देखें लेंथ कम हो सकती है, यहाँ पर कम हो सकती है, तो लेंथ आपके डिफरेंट हो, और ब्रेथ वाइड जो होगी वो इतनी ही लेना है जितना यहाँ पर होगा, मतलब अप्रोक्सीमेटली इतना इक्वल कर देना है कि ये जो थोड़ा सा जो टेढ़ा दिख रहा है वह इक्वल टू इसके बराबर हो जाए। तो ये तभी हो पाएगा जब इसको बहुत पतले से करेंगे, तो ये बहुत पतली स्ट्रिप बनेगी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ऐसे केसेस में जो ए बी सी डी की एरिया होगी, मैंने एक नॉर्मली बता दिया कि इसकी लेंथ इंटू ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्ट्रिप की एरिया निकलेगी। ऐसे मान लीजिए 100 स्ट्रिप इसमें बनती है तो 100 इंटू जितनी आपकी रेक्टेंगल शेप का आपकी जो स्ट्रिप बनती है उसकी एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पूरे ए बी सी डी की एरिया निकल सकती है। तो मैथमेटिक्स में जो अप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए मैंने एक आर्बिट्री कोई भी एक स्ट्रिप ले लिया जिसको लेंथ मैंने वाई सपोज के, बिकॉज ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, ये वाई एक्सिस के पैरेलल तो ये वाई मान लेते हैं, और इसकी जो वाइड्थ होती है इसको डी एक्स मान लेते हैं, बिकॉज एक्स एक्सिस पर है तो बहुत छोटी सी जो वाइड्थ दिखानी होती है अप्रोक्सीमेटली वो डी एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको पता है कि एरिया इज इक्वल टू हुआ क्या करता है, एरिया आप मान लीजिए आपसे फाइंड करने के लिए कहा गया एरिया आप ए बी सी डी फाइंड कीजिए, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या होगा भाई, आप अगर ए बी सी डी इज इक्वल टू हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ वाई इनटू डी एक्स, लेंथ इनटू ब्रेथ हुआ ना, ये वाइड हो गया, ये लेंथ हो गया, लेकिन ये तो एक ही स्ट्रिप के लिए हुआ ना, हमें तो एरिया ऑफ ए बी सी डी निकालना है। तो इसका मतलब क्या होगा, हम चाहे तो लिखें कि हमारे पास 100 स्ट्रिप है तो 100 इंटू आई इंटू डी एक्स लिख दें, अगर हम वो नहीं लिखना चाहे, मान लीजिए हमारे पास ऐसे जो पतली स्ट्रिप बन रही है वो 100 है, तो मैं लिखूंगा 100 इंटू आई इंटू डी एक्स, अगर 100 नहीं लिख सकते तब क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा कि ये जो रीजन बन रही है वो यहां से लेकर यहां तक बन रही है, मतलब एक्स इस पॉइंट को ले लीजिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ए होगा मान लीजिए यहां वाई वन हो गया, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारे पास बी होगा मान लीजिए वाई है, तो ये सॉरी वाई ये जीरो होगा ना, बी कॉमा जीरो हो गया, और ये कितना हो गया ए कॉमा जीरो, अगर इस पॉइंट को देखेंगे तो ये क्या होगा ए कॉमा वाई वन, और ये क्या होगा बी कॉमा वाई टू। तो अगर ये अब आपकी पतली स्ट्रिप जो एक्स एक्सिस पर बनी हुई है तो इस समय वाई इंटू डी एक्स, लेकिन कहां से कहां तक है, तो आप बोलेंगे सर ए से लेकर बी तक के बीच में जो कर्व बना है उसकी एरिया निकालनी है, तो मैं यहां पर ले लूंगा इंटीग्रेशन में ए से लेकर बी, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, तो ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी तक के बिटवीन जो कर्व बन रहा है उस कर्व की एरिया निकालनी है, और वो कर्व जो स्ट्रिप ड्रा कर रहे हैं वो ऑन एक्स एक्सिस पर ड्रा कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसको वाई डी एक्स लिख दिया। तो एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी जो बन जाएगा वह ए टू बी वाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए यही जो कर्व आपका वाई एक्सिस पर बनता, ये कर्व मान लीजिए आपका इस तरह से बन जाता, ये एक्स एक्सिस मान लीजिए वाई एक्सिस, और ये कर्व मान लीजिए ऐसे चलता, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको बोला जाता है कि इसकी जो एरिया फाइंड कीजिए वो इसके इसके बिटवीन फाइंड की लीजिए, किसके मान लीजिए ये दे दिया वाई इज इक्वल टू सी, ये पॉइंट आपका हो गया है ना, और वाई इज इक्वल टू डी के बिटवीन। तो इसके से इसमें जो आपकी जो स्ट्रिप ड्रा होगी वह इस तरह से ड्रा होंगे, पतले पतले जो छोटे छोटे पतली पतली रेक्टेंगल शेप का स्ट्रिप ड्रा होगा वह ऐसे ड्रा होगा। तो मैंने एक आर्बिट्री स्ट्रिप को मैंने ये मान लिया, तो इसमें जो इसकी वाइड होगी वह डी वाई हो जाएगा, क्योंकि ये वाई एक्सिस पर, ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पर जो वाइड लेंगे तो वह डी वाई ही लेंगे ना, और इसकी लेंथ मान लेते हैं हमने कितना एक्स मान ली। तो अगर मान लीजिए आपको इस तरह के सैडेड रीजन जैसे ए बी सी डी की एरिया ऑन वाई एक्सिस फाइंड करनी है,
वाई एक्सिस फाइंड करनी, तो उसमें एरिया आप लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए बी सी डी, कहाँ से, यहाँ से सी से लेकर डी तक चलेंगे, तो सी से लेकर डी तक, और लेंथ कितनी हो गई, एक्स हो गई, और इसकी वाइड हो गई डी वाई, ठीक है ना। मतलब अगर आप वाई एक्सिस पर चलेंगे, वाई एक्सिस पर स्ट्रिप ड्रा होगी, तो जो कोऑर्डिनेट लिया जाएगा वह वाई वन से लेकर वाई टू लिया जाएगा, एक्स डी वाई हो जाएगा, यही ना होगा भाई। वाई वन मान लीजिए या सी नहीं होकर क्या होता, वाई वन होता, या हम इसको मान ले y इज इक्वल टू वाई वन, ये पॉइंट वाई वन, और ये पॉइंट क्या मान ले यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मान लेते हैं y इज इक्वल टू वाई टू है, y इज इक्वल टू डी की जगह y इज इक्वल टू वाई टू। तो जो कोऑर्डिनेट लेंगे, याद रखिएगा, जो स्ट्रिप ड्रा करेंगे अगर वह वाई एक्सिस पर होगा तो कोऑर्डिनेट वाई वन वाई टू लिया जाएगा, और मान लीजिए ए टू बी है, हमने ये इसको एक्स वन मान लें और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स टू मान लें, तो कोऑर्डिनेट को एक्स वन एक्स टू एंड वाई डी एक्स, मतलब अगर आपने स्ट्रिप को एक्स एक्सिस पर ड्रा किए तो क्वारनेट आपको एक्स एक्स का लेना पड़ेगा, और अगर आपका स्ट्रिप वाई एक्सिस पर है तो क्वारनेट आपको वाई वन वाई टू मतलब वाई क्वारनेट लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये तो हो गया, मैंने दो चीज़ें बताई, इसको याद रखिएगा, एरिया जब आपका कर्व वाई एक्सिस पर बना हो, और यह एरिया वेन द कर्व ऑन एक्स एक्सिस पर बना हो, तो उस समय एक्स एक्सिस पर उसकी स्ट्रिप ड्रा कर एरिया निकालेंगे। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई कर्व ऐसा होता है जिसमें डाउनवर्ड चलता है, ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मान लीजिए कर्व आपका ऐसे चलना शुरू कर दिया, जैसे हमने ले लिए डाउनवर्ड में, यहाँ से लेकर ऐसे मूव कर रहा हो, और हमें से पूछा गया कि इसकी एरिया फाइंड करिए यहाँ से लेकर यहाँ, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है ना। ये पॉइंट आप मान लीजिए वहीं ले लेते हैं x इज इक्वल टू ए, और ये जो पॉइंट मान लेते हैं x इज इक्वल टू बी मान लेते हैं, तो हम स्ट्रिप जो ड्रा करेंगे वो ये ऐसे ड्रा करेंगे, यह ऐसे ड्रा करेंगे, तो इसमें जो यह एक्स एक्सिस पर होगा तो यह इसकी वाइड तो डी एक्स ही होगी, लेकिन इसकी जो लेंथ होगी, यह लेंथ जो होगी वाई मानेंगे, और वाई की वैल्यू क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव हो जाती है ना। अगर ये वाई एक्सिस लेते हैं वाई डैश, और इसको वाई मानते हैं, तो ये जो इसकी वाइड होगी क्या होगी, वाई मतलब ये माइनस हो जाएगी, लेकिन लेंथ को नेगेटिव नहीं दिखाते, लेकिन कोऑर्डिनेट अगर लेंगे, कोऑर्डिनेट में लेंगे तो ये माइनस वाई लेना पड़ेगा, तो इस समय एरिया इसकी नेगेटिव हो जाती है। तो ऐसे केसेस में जब इसका ग्राफ डाउनवर्ड मतलब एक्स एक्सिस के बिलो बनता है, तो एरिया आप लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू, अगर वह एक्स एक्सिस के बिलो बन रहा है तो पॉइंट आप देख सकते हैं एक्स वन से लेकर एक्स टू मतलब ए से लेकर बी तक होगा, ए से लेकर बी तक, कौन सा, ए कोऑर्डिनेट मतलब यहां से यहां तक, और ये पॉइंट से लेकर आपको इस पॉइंट के बीच की एरिया निकालनी है ना, ये आपका बी हो गया, मतलब ये वाली, यहां से ये ए हो गया, ए से लेकर सॉरी ये आपका कितना हो जाएगा, ए हो गया और यहां सॉरी ए हो गया और यहाँ से लेकर आप यहाँ तक कर दिए, तो इसको मान लीजिए ए से लेकर बी तक के बीच की एरिया फाइंड करनी, ये डिस्टेंस आप बी मान लेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा, इसलिए पूरा ही लेना पड़ेगा, तो ए से बी के बीच में ये मान लीजिए आपकी एरिया, ए से बी के बीच में एरिया निकालेंगे, तो एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वाई इन टू डी, लेकिन एरिया होती क्या, क्योंकि बिकॉज ये वाई आपकी नेगेटिव तो लेंगे ना, साइन तो नेगेटिव लेंगे, लेकिन होता क्या है कि एरिया नेगेटिव होती नहीं, इसलिए ऐसे केसेज में जब आपकी एरिया डाउनवर्ड डायरेक्शन बनती तो इसको मॉडल प्लस में लगा लेते हैं, और ये मॉडुलस लगाते हैं ये प्लस हो जाएगी, एरिया जब भी आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस में लगाकर लिखेंगे, इससे क्या होगा कि जो एरिया निकलेगी अगर आपने वाई की वैल्यू माइनस में ही ली है तो माइनस जो होगा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो एरिया हमेशा पॉजिटिव निकल जाएगी। और समटाइम्स ऐसा होता है कोई कर्व ऐसा बनता है, जैसे कर्व मान लीजिए मैंने ले लिया, समटाइम्स वह एक्स एक्सिस के ऊपर चलता है और कुछ टाइम में वह एक्स एक्सिस के बिलो चलता है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो एरिया मान लीजिए ए वन है और एक्स एक्सिस के बिलो एरिया ए टू होगा, तो इसमें जो कंबाइंड एरिया निकलेगा वह ए वन ऊपर वाले के एरिया तो इसी तरह से निकाल लेंगे, लेकिन जो बिलो वाली एरिया होगी उसको मॉडुलस में लिख कर लिखेंगे, प्लस मॉडुलस ऑफ ए टू कर दिया करें, मतलब इसकी एरिया इस तरह से निकालेंगे लेकिन उसके होगा मॉड लगा देंगे। तो ये हमारे पास एरिया के जो डिफरेंट शेप बनते हैं, वन टू थ्री फोर हमने बताया, ये डिफरेंट डिफरेंट जो आपके ग्राफ बनेंगे, डिफरेंट डिफरेंट जो पिक्चर्स बनेगी जब कोई कर्व दिया जाएगा या लाइन दिया जाएगा, तो इस तरह के शेप बन सकते हैं, इस तरह के फिगर बन सकते हैं, और वही एरिया फाइंड करनी है, तो उसके लिए एक पतली सी स्ट्रिप ड्रा कर, हमने आपको कॉमन चीज़ बता दी कि रेक्टेंगुलर शेप का ढेर सारे स्ट्रिप ड्रा करेंगे और सारे स्ट्रिप काउंट कर लेंगे, एक की एरिया दूसरे की एरिया तीसरे की एरिया सबको ऐड कर दीजिए तो हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा कर सकते
सकते हैं कि आप बस इस फॉर्मूले को यूज कीजिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ऑन द एक्स एक्सिस पर बन रहा है या बिटवीन एक्स एक्सिस और इन दोनों लाइन के बिटवीन बन रहा है, तो यहाँ पर एक्स वन टू एक्स टू वाई डी एक्स लेंगे और जो कर्व होगा वो उस कर्व के वाई की वैल्यू यहाँ रखकर पुट करेंगे, अभी वो क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। और वाई एक्सिस पर बनने केसेज में एरिया एक्स डी वाई हो जाता है, अगर बिलो एक्स एक्सिस है तो वहाँ पर मॉड लगा दिया करिए, और एक बार बिलो हो, एक बार एबव हो और दूसरी बार बिलो कर्व चल रहा, तो ऐसे केसेज में दोनों के एरिया लिखेंगे जरूर, दोनों के एरिया प्लस हो जाएगी, क्योंकि एरिया है तो ये तो प्लस ही होगी ना, माइनस तो होगी नहीं, तो ये दोनों क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे, और प्लस करते समय लेकिन ध्यान रखेंगे इसकी जो एरिया होगी वह मॉड में लिखेंगे, नहीं तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो एरिया क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि एरिया इतनी क्षेत्र की, इतनी एरिया यह हो गई प्लस इतनी एरिया यह हो गई, दोनों भाई माइनस में है, मैथमेटिकल में माइनस में है ना, वैसे कॉमन सोचा जाए तो इतना जगह यहाँ और इतना जगह यहाँ मिलकर जगह ज़्यादा होना चाहिए, जगह कम तो नहीं होगी, प्लेस हमारे पास ज़्यादा हो जाना चाहिए, तो जब ज़्यादा जगह होगी तो इसका मतलब दोनों की एरिया प्लस होगी, इसका मतलब दोनों की वैल्यू प्लस होनी चाहिए, माइनस तो होनी नहीं चाहिए, तो इसलिए हमने दोनों को दोनों दूसरा वाला क्या होगा कि माइनस देगा वैल्यू, इसलिए मॉड में लगा देंगे, तो मॉड का मतलब हो गया एरिया इज इक्वल टू ए वन प्लस ए मॉड ऑफ ए टू लिख देंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताया था, आप एक बार कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, हम चलेंगे एक्सरसाइज 8.1 लेकर, देखते हैं उसमें कुछ कैसे क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है ना, तो चलिए एक बार देखते हैं एक्सरसाइज 8.1। देखा जाए एक्सरसाइज 8.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को, इसमें पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड द लाइन्स, लाइन्स दिया है एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 4, और साथ ही साथ एक्स एक्सिस लिखा है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, याद रखिएगा इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसके द्वारा जो एरिया बनेगी इस कर्व के बिटवीन, कर्व लाइन और इस लाइन के बिटवीन, साथ ही साथ एक्स एक्सिस के बिटवीन जो फर्स्ट कर्व में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कर्व बनेगा उसकी एरिया फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए नॉर्मली क्या होता है कि हमें ये याद होना चाहिए कि किसी पैराबोला का इक्वेशन अगर वाई, जैसे ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स लिखा है, एक पैराबोला का इक्वेशन है जनरली, अगर आप सोचें हम इसके पहले सोल्यूशन की बात करते हैं, तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एज लाइक वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जैसा आपका सेप बनाएगा, बिकॉज यहाँ पर अगर a की वैल्यू 1/4 रख दें तो ये y स्क्वायर इज इक्वल टू x एक पैराबोला का इक्वेशन है। तो पैराबोला का इक्वेशन जनरली आपको ड्रा कर देना है, ये नहीं कि इसका मेजरमेंट आप लीजिए, x के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट करिए, बस आपको याद होना चाहिए कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हो तो उसका ग्राफ कैसे होता है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जैसा ग्राफ होगा उसी तरह से y स्क्वायर इज इक्वल टू x ले लीजिए, वो बहुत पतले हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा होगा तो इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, आपको एक y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का ग्राफ ड्रा कर देना, एक कर्व जैसे y स्क्वायर इज इक्वल टू x का जो कर्व था वह इस तरह से चलते हैं मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ये आपको कर लेना, बिकॉज अब आप इसको माइंड में रखेंगे और ड्रा इसको करेंगे, तो ये मान लेंगे ये कर्व है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है। अब साथ ही साथ ये एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो एक्स इज इक्वल टू 1 अगर लेंगे, मान लीजिए ये ओरिजिन हो गया, तो यहाँ से आप 1 यूनिट चल दीजिए, ये डिस्टेंस आप 1 चलिए, तो यहाँ जो पॉइंट होगा एक्स इज इक्वल टू 1 होगा, तो इसकी जो लाइनिंग बनेगी एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए वह इस तरह से बनेगी, बनेगी ना x इज इक्वल टू 1 के लिए, तो ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये बन जाएगा 1, 0, और ये जो लाइन होगा उसका इक्वेशन x इज इक्वल टू 1 है, और साथ ही साथ x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 का मतलब ये 1 हो गया, मान लीजिए 2, 3 एंड 4 हमने ले लिए, तो थोड़ा सा पास में ले लेते हैं, ये x इज इक्वल टू 4 ले लिए, और x इज इक्वल टू 4 का लाइन ऐसे चलेगा, और ये कर्व थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, तो ये x इज इक्वल टू 4 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस हुआ वह 4 हो गया, यही ना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने 4 चले, ये लिख देते हैं, ये आपका डिस्टेंस जो है 4 यूनिट हो गई, तो ये कोऑर्डिनेट जो होगा वो 4, 0 हो जाएगा, यही ना होगा। अच्छा, ये कर्व हो गया, ये कर्व आगे तक कहीं भी जा सकता है और आगे जा सकते हैं, पैराबोला है तो इस तरह से जाएगा, ठीक है ना। और आपसे पूछा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस हो गया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिकॉज ये जो कर्व बना रहा है, ये जो कर्व और इस लाइन के बिटवीन जो एरिया बन रही है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक बन रही है, लेकिन वो क्या कर रहा है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के बिटवीन जो बनेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो यही हो गया, इसका मतलब एरिया आपको यहीं फाइंड करना, इसको आप शेडेड दिखा दिया करिएगा ऐसे, जिसकी एरिया आपको फाइंड करनी,
करनी है उसको आप दिखा दीजिएगा कि मुझे इसकी एरिया फाइंड करनी है, और इसका नाम दे दिया करिए, जैसे ए आपने यहाँ लिख दिए, बी सी एंड डी। तो आपको जो फाइंड करनी एरिया ऑफ द रीजन ए बी सी डी फाइंड करनी, ठीक है ना, जो कि कर्व एक्सिस, जो कि लाइन एक्स इज इक्वल टू वन और एक्स इज इक्वल टू फोर की, फोर से पास होने वाली जो लाइन है उसके बिटवीन है, उसके बिटवीन किसका, कर्व का इक्वेशन है। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करते थे, एक पतली सी स्ट्रिप ड्रा करते हैं, उसी स्ट्रिप को मानकर हम एरिया निकालेंगे। तो ये पतली सी स्ट्रिप निकालते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एरिया ऑफ रीजन या बाउंडेड रीजन, ठीक है ना, एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी, या शेडेड रीजन लिख दिया करिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ए बी सी डी आप कर दीजिए, ठीक है ना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या ए बी सी डी विच इज इक्वल टू, कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालनी है, वन पॉइंट से लेकर फोर तक लेनी है। तो यह हो गया वन से लेकर फोर तक, और हमने अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं वाई डी एक्स मान लेते हैं, इन्हें लिखते थे वाई डी एक्स, यही तो मानते थे, एक स्ट्रिप की ये वाई मान लेते थे, इसकी जो वाइड्थ होती थी इसको डी एक्स मान लिए। तो ये वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर्व के लिए रिप्रेजेंट करता, मतलब इसकी लेंथ जो होती है, तो यहाँ वाई क्या है, वाई हम कर्व का लेते हैं, मतलब कर्व की जो वाई की वैल्यू होगी वो इसमें आप पुट करेंगे ताकि वाई की वैल्यू एक्स में हो जाए और इंटीग्रेट हो पाए। तो हमें तो शेडेड रीजन निकालना, इसका निकालना, मतलब हमें होता क्या है कि अगर आप देखें तो ये कर्व की जो छाया, ये मान लीजिए एक्स एक्सिस आपका अर्थ है, क्या है, धरती है, तो इस कर्व की छाया कहां बनेगी, एक्स एक्सिस पर, तो किसकी छाया बन रही है, आपकी कर्व की बनेगी, क्योंकि सीधी जो लाइन होती है उसकी छाया नहीं बनती, वो अपने आप, जैसे यहां पर मान लीजिए टॉर्च जलाते हैं तो इसकी छाया नहीं बनती, वो परछाई इसके ऊपर ही दब जाती है, लेकिन अगर थोड़ी सी तिरछे से प्रकाश डालिए तो इसकी परछाई बनना शुरू होती है। तो इसी तरह से ये कर्व जो है सीधा है, अगर यहां टॉर्च आप जलाते हैं, मान लीजिए कर्व ये थोड़ा सा उभरा होता है, यहां टॉर्च जलाते हैं तो इसकी छाया कहां से कहां तक बनती, यहां से लेकर यहां तक, इस लाइन का नहीं बनेगा, इस लाइन का नहीं बनेगा, बिकॉज सीधा है, तो सीधा का नहीं बनेगा, सीधा का जब जलाएंगे तो ये छाया अपने आप में यही रह जाएगी, दब जाएगी, इसके अंदर ही रह जाती है, लेकिन जो टेढ़ा होगा उसकी छाया ऐसे बनेगी। तो हम सीधे यहां मान लीजिए टार जला रहे हैं, किसका बन रहा है छाया, कर्व का, इस कर्व की छाया बन रही, कहां से बन रही है, एक से लेकर चार तक, तो किसका बन रहा है, वाई का, वाई मीन्स वाई कर्व का हो गया। तो आप यहां से निकाल लीजिए 1, 2, 4, और वाई कर्व की वैल्यू देखिए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स है, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, अगर वाई यहां से निकालना चाहें तो यह आ जाएगा अंडर रूट एक्स, यहां से होगा ना अंडर रूट एक्स, प्लस माइनस अंडर रूट एक्स होगा, लेकिन एरिया क्या पॉजिटिव लेनी होती, इसलिए वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स एंड डी एक्स हो जाए। अंडर रूट एक्स का इंटीग्रेशन कर लीजिए कितना हो गया, 1/2 + 1 and 1/2 + 1 and limit is 1 to 4, तो यह आ जाएगा 2/3, एक्स इज इक्वल टू 4 रख दीजिए तो ये 4, 3/2 - 1 and 3/2, तो इसको लिख दीजिए 2/3, 4 को लिख दीजिए 2 to the power 2 and 3 to the power 2, सो टोटल जो आपका आंसर आ जाएगा ये 2/3 एंड 2 to the power 3 is 8, 8 - 1 is 7, सो 7 × 2 = 14/3, और एरिया जो होती है वह स्क्वायर यूनिट होती है या स्क्वायर मीटर होते हैं, तो यहाँ पर आपको पता नहीं इसलिए इसका जो यूनिट लिखेंगे वह स्क्वायर यूनिट लिख दीजिएगा, 14/3 स्क्वायर यूनिट फॉर दिस कर्व आ गया अंडर द लाइन एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 4 के लिए, ठीक है ना। सिमिलर क्वेश्चन दूसरा भी होगा, इसको आप ट्राई करिएगा, देखिए क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम है, मैं जो सेम सेम होगा उसको लिप करते चलेंगे। आपको मान लीजिए वाई स्क्वायर एक्स इज दे दिया, दूसरे क्वेश्चन में जो दिया है वह वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9x दे दिया, तो आपको ये नहीं सोचना है कि ये कैसा ये बहुत पतले होगा ग्राफ या बहुत ज़्यादा, आप एक नॉर्मली कर्व का इक्वेशन जो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x का सेप है वैसे ही ड्रा कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये नहीं बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि ये बहुत ज़्यादा स्लिप चलेगा, कि इसका कर्व बहुत ऊपर तक जाएगा, इतना नहीं सोचना, नॉर्मली आप एक कर लेंगे और उसके बाद जो जिनके बिटवीन एरिया फाइंड करनी है उसको ड्रा कर लीजिए, और वो रीजन आपका हो जाएगा, वो लोअर टू अपर लिमिट हो जाएगी, साथ ही साथ वाई डी एक्स अगर वो कर्व आपका एक्स एक्सिस पर परछाई दे रहा है या उसकी छाया एक्स एक्सिस पर बन रही। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को लेकर, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या, आप इसको नोट करते चलिएगा, आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, फिर से बता देंगे एक बार। चलें नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर शेडेड रीजन में, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं थर्ड को, बिकॉज सेकेंड क्वेश्चन एज इट इज यही है, तो आप इसको ट्राई कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है, 8.1 में थर्ड क्वेश्चन पूछा है आपसे, पूछा है कि ये भी सेम है बट ये वाई एक्सिस पर, इसलिए इसको देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन दिया, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन
बिटवीन द बाउंडेड बाय द कर्व बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड y इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, साथ ही साथ y एक्सिस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इतना कंडीशन इसने दे दिया कि इसके बिटवीन जो कर्व की जो शेडेड पोर्शन आएगी उसी को आपको निकालना है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, तो आप मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जैसा इसका शेप बनेगा, ठीक है ना। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y कर्व आप क्लास 11th में देखे होंगे कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay कैसा बनाता है कर्व। तो ये ऊपर की तरफ चलते हैं, ये नहीं बनता एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का, है ना, या तो y इज इक्वल टू 1 2 3 रखकर चलिएगा तो ऐसे ही ग्राफ मिल जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y कर्व का इस तरह से शेप बनते हैं। अब इसका जो शेडेड पोर्शन y इज इक्वल टू 2, तो ये ओरिजिन हो गया, ओरिजिन से 1 एंड 2 चलिए, तो ये जो पॉइंट हो गया, ये जो डिस्टेंस हो गई वो 2 यूनिट हो गए, किसके लिए, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 ये पॉइंट हुआ। तो इससे इससे आप पास करते हुए एक लाइन अगर ड्रा करेंगे तो वो ऐसे चलेगी, ये ऐसे चलेगी, ठीक है ना, मान लीजिए या लाइन और खींचते जाएंगे तो आगे चलती जाएगी, ठीक है। y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4 के लिए यहाँ से 2 चल दिए, ये 3 मान लीजिए, ये 4, तो थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं ताकि ये मान लीजिए y इज इक्वल टू 4, हमने थोड़ा सा बड़ा खींच दी, क्या दिक्कत है, है ना। तो ये जो डिस्टेंस हो गई 4, तो ये जो पॉइंट होगा इसको बोलेंगे 0, 4, और ये जो पॉइंट होगा इसको बोलेंगे 0, 2, बिकॉज y एक्सिस पर x के वैल्यू 0। तो आपको एंड y एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया, ये देखिए y एक्सिस हो गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। इसका मतलब आपको इसके बिटवीन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके बिटवीन, इस कर्व के बिटवीन और साथ ही साथ इस लाइन के बिटवीन ये जो शेडेड पोर्शन बना, ठीक है ना, यही शेडेड पोर्शन बना, इस शेडेड पोर्शन की एरिया निकालनी है। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी एंड डी, ए बी सी डी की एरिया फाइंड करनी, कहाँ से कहाँ तक चलनी है, एरिया आपको लेनी है 2 पॉइंट से लेकर 4 पॉइंट तक। तो हम अगर निकालें एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन कौन सा, ए बी सी डी, विच इज इक्वल टू, विच इज इक्वल टू, बिकॉज ये पतली स्ट्रिप जो ड्रा करेंगे वो y एक्सिस पर ड्रा करेंगे, जो कि रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज छाया जो बन रही है वह y एक्सिस का, इस कर्व का y एक्सिस पर बन रही है। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट लेते हैं वह y1 से लेकर y2 एंड xdy लेते हैं, बिकॉज स्ट्रिप की जो ये जो लेंथ होती है इसको बोलते हैं कितना, इसको बोलते हैं dy, और ये जो होती है इसको बोलते हैं x बोला करते हैं, तो xdy मैंने आपको बताया था। तो कहाँ से कहाँ तक कोऑर्डिनेट है, 2 पॉइंट से लेकर 4 तक है, तो ये आ जाएगा 2 से लेकर 4 तक। x की जो वैल्यू होगी वह किसके लिए, कर्व की छाया बन रही है, तो कर्व के x की वैल्यू निकाल लीजिए, इफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y देन x इज इक्वल टू 2√y हो जाएगा, प्लस माइनस 2√y में पॉजिटिव लेंगे बिकॉज नेगेटिव लेंगे तो मॉडुलस लगाएंगे, बात तो ही हो जाएगी फिर, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू 2√y हो गया, 2√y एंड dy, तो आप यहां से वैल्यू फाइंड कर लीजिए, विच इज इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 2 से लेकर 4 तक √y dy, या हम इसको लिख सकते हैं 2 एंड y टू द पावर 3/2 एंड y टू द पावर 3/2, सो लिमिट इज 2 to 4, या आ जाएगा 4/3 एंड 4 टू द पावर 3/2 माइनस 2 टू द पावर 3/2, ठीक है ना। सो 4/3 एंड द लिमिट इज 2, आप इसको 2 टू द पावर 2 लिख दीजिएगा, माइनस 2 टू द पावर 3/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे तो 4, ये आ जाएगा 2 2 4 2 8 माइनस 2 टू द पावर 3/2। तो मेरे हिसाब से इतनी ही बन जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y के लिए है, और इसको सिंप्लीफाई करना तो आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, बट मुझे लगता है इतना ही आ जाएगा, इतना ही स्क्वायर यूनिट आपकी एरिया मिल जाएगी, ठीक है ना। 4/3 8 माइनस 2 अंडर 2 टू द पावर 3/2 आप लिख सकते हैं, या इसमें से बहुत ज़्यादा लेंगे तो 2 × 1/2 है जैसे, तो यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो तो 2√2 बचेगा फिर भी, ठीक है ना। तो चलिए इतना मैंने लिख कर दिया, उसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन को लेकर चलते हैं। तो डिफरेंट क्वेश्चन में आप देखिए जरा, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, शेडेड रीजन को ध्यान से देखिएगा, आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, ठीक है। और थोड़ा सा जो डिफिकल्ट था वो इस बार डिलीटेड है, तो आपके लिए लकी रहेगा कि आपका जो पोर्शन डिलीट कर दिया गया उसको दोबारा नहीं पढ़ना अभी, ठीक है ना। नाउ हम लेकर चलेंगे क्वेश्चन नंबर, जैसे फोर्थ है, फोर्थ एंड फिफ्थ आर सेम है, तो आप जरा देखिए फोर्थ क्वेश्चन का, इसमें इस एक्सरसाइज को पढ़ने समय एक ध्यान देने की बात यह है कि आपके एलिप्स का
कर्व किस तरह से बनता है, एलिप्स का फिगर कैसे बनेगा, या आप सर्कल को कैसे ड्रा करते हैं जब उसकी रेडियस 2 या 4 सेंटीमीटर हो, या पैराबोला के जो 4 शेप बनते थे वो आपको याद होना चाहिए। उसका शेप किस तरह का ग्राफ हो, कर्व का इक्वेशन क्या हो, पैराबोला के इक्वेशन क्या हो, और उसका ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे, वो कर्व का इक्वेशन कर्व कैसा ड्रा होगा वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों सेम है, फोर्थ एंड फिफ्थ आपका सेम क्वेश्चन है, तो मैं आपको फोर्थ बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, इसमें पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ और दूसरा वाला जो दे दिया वह एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर अपॉन 4। देखिए फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन दे दिया, यहाँ मैं फिफ्थ भी लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 दे दिया है। ठीक है ना, तो ये अगर आप फोर्थ को और फिफ्थ को देखें तो ये आपका जो बनेगा कर्व जो है इस तरह का है, एक्स स्क्वायर इसको लिख दीजिए 4 का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसको देखा जाए तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें जो है इसमें आपका ए इज ग्रेटर देन बी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस होगा, और ये जो होगा वह ए इज लेस देन बी मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस होगा। तो आपको पता है कि कर्व अगर जिसमें एक्स एक्सिस ज़्यादा बड़ा होगा तो वह ज़्यादा स्पेस किस पर लेकर चलेगा, ज़्यादा जो स्पेस बनाता है वह एक्स एक्सिस बनाता है अगर मेजर एक्सिस होगी, और जो पैरा एलिप्स हमारे पास वाई एक्सिस मेजर एक्सिस होगा तो वह वाई एक्सिस पर ज़्यादा दूर तक कवर करता है। बस इतने का अंतर है, बाकी जैसे इसको सॉल्व करेंगे उतना ऐसे वैसे ही इसको सॉल्व करना है। तो एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस एलिप्स आइदर दिस एलिप्स, तो मैं यहां पर सॉल्यूशन 4 लेकर चल रहा हूं। ठीक है ना, ये देखिए आपका मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस, जो इसका एक्स एक्सिस जो होगा वो मेजर एक्सिस होगा, बिकॉज यहां पर ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट वो ज्यादा है किससे ज्यादा है वाई स्क्वायर के साथ, तो यहां ए की वैल्यू बी से ज्यादा है बिकॉज 4 इज ग्रेटर देन 3 है। तो जो एलिप्स का आप जो कर्व ड्रा करेंगे या ग्राफ ड्रा करेंगे वो इस तरह से ड्रा होगा, वो मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पर कर दीजिएगा, बाकी एलिप्स आप ड्रा करना जानते हैं आप ड्रा कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो एलिप्स का फिगर आप ड्रा कर लीजिएगा अच्छे से, मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है, ओके अच्छे से ड्रा कर लीजिएगा इसको, ये एक मान लेते हैं हमने नॉर्मली एक एलिप्स मान लिए। ठीक है, ये इस एलिप्स का क्योंकि मेजर एक्सिस इसका एक्स एक्सिस है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया, तो वर्टिसेस ये कोऑर्डिनेट कितना होगा जिसको ए और ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका जो डिस्टेंस होगा ये 4 होगा बिकॉज मेजर एक्सिस यहाँ 4,0 हो जाएगा, और ये कितना होगा -4,0, और ये वाई एक्सिस के जो डिस्टेंसेस वो 3 है, तो इसको यहाँ से लेकर चलेंगे तो ये होगा 0,3, और ये कितना होगा 0,-3। आपसे पूछा है कि एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस एलिप्स, ये एलिप्स कहाँ से कहाँ तक रीजन बना रहा है, ये सारा रीजन इस पूरे रीजन की एरिया पूछा है, इस पूरे रीजन की एरिया पूछा है। ठीक है ना, इस ग्राफ को थोड़ा सा अच्छे ड्रा कर लीजिए कि इससे हाँ मान लेते हैं। ठीक है ना, एक रफली बना दिए, तो ये पूरे रीजन के एरिया पूछा, एरिया ऑफ सेंटर्ड रीजन दिस एलिप्स का। ऐसे केसेस में आपको पता है कि एलिप्स जो है इक्वल पार्ट बनाती है, इक्वल पार्ट कवर करती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट उतना ही सेकेंड पार्ट होता है, उतना ही फोर्थ और उतना ही थर्ड एंड फोर्थ पार्ट, सेकेंड फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पार्ट होता है, मतलब इनकी एरिया हमेशा बराबर होती है। यहाँ पर आपको थोड़ा बड़ा बड़ा और छोटा दिख रहा होगा फिगर बनाते समय, लेकिन आप देखेंगे तो ये एरिया एलिप्स हमेशा इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, क्वाड्रेंट में इक्वल पार्ट में डिवाइड होती है। तो ऐसे केसेस में अगर हम एक पार्ट की एरिया निकाल लें, जैसे कि हमने इस पार्ट की एरिया निकाल दी, जैसे इसको ओ मान लिए, इसको ए बी एंड ए लिखा है बी लिखा है ओ ए बी सी, चलिए ओ ए बी सी अगर हमने एक पार्ट की एरिया निकाल लें और एक पार्ट की एरिया निकालने के बाद उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे एलिप्स की एरिया आ जाएगी, पूरा एलिप्स जितना स्पेस कवर किया है जितनी इसकी साइडेड पोर्शन हो रही वो एरिया निकल आएगी। तो इसके लिए आप एक पोर्शन की एरिया निकाल लीजिए, एक पोर्शन के लिए आप स्ट्रिप चाहे तो एक्स एक्सिस पर ड्रा कर लीजिए चाहे वाई एक्सिस पर, तो ये वाई हो जाएगा और ये डीएक्स हो जाएगा। कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक होगा, ये जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0,0, मतलब आप यहाँ से लेकर आप समझ लीजिए इस पॉइंट तक चल रहे हैं, इस कर्व का जो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच एरिया देखना चाह रहे हैं, या इसको देखिए या इसको देखिए, बिकॉज अगर एक्स एक्सिस पर देखना चाह रहे हैं तो कोऑर्डिनेट क्या लेना होगा, एक्स वन से लेकर एक्स टू तक। तो हम यहाँ पर एरिया ऑफ साइडेड रीजन लिखेंगे, एरिया ऑफ साइडेड रीजन कवर्ड बाय एलिप्स विच इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया
आप एरिया ऑफ सैड रीजन या रीजन, एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी सी, ओ ए बी, ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ, इसकी एरिया कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा विच इज इक्वल टू 4। एंड एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी सी ओ कहाँ से कहाँ तक है आपको लेना, यहाँ से लेकर यहाँ, तो मतलब यहाँ क्या, यहाँ मान ली बिकॉज इसकी छाया तो एक्स एक्सिस पे ही बनेगी ना, तो 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक, मतलब आप इसको लिखेंगे x1 से लेकर x2 y dx, इसका मतलब यह हो गया x1 से x2 का मतलब हो गया 0 से लेकर 4 तक, 0 से लेकर 4 तक, और y की वैल्यू, y क्या है, y इस इलिप्स का होगा, तो इलिप्स की y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लीजिए, y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, या इसको लिख दीजिए 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 हो जाएगा, सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन 16 एंड 16 माइनस एक्स स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू आप निकालेंगे तो ये 3 अपॉन 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसको निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो वाई की वैल्यू आपने जो इस कर्व का निकालेंगे, जो इलिप्स का निकालेंगे, वो आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये आ गया 3 अपॉन 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कॉमन लेने के बाद कैंसिल कीजिएगा, तो यह आ जाएगा 3024 एंड अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स है, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स है। आपको पता होगा कि ये जो एक्सरसाइज आपकी 7.7 चल रही थी, 7.7 चल रही है, जिसमें कि आपको ये 7.7 में हमारे पास तीन फार्मूले थे, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चल रहा था, लेकिन ये तीनों एक्सरसाइज 7.7 जो हमारे पास थे, एक बार एक्सरसाइज 7.7 जो है शायद 7.7 डिलीटेड किया गया, ठीक है ना, तो 7.7 डिलीटेड किया गया, लेकिन यहाँ फार्मूला तो हमें यूज़ करनी है, फार्मूला आपको यूज़ करनी है, तो उस फार्मूले को एक बार मैं लिख देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए कि आपको डिलीट जरूर कर दिया कि लेकिन पढ़ना जरूर है उसको, ठीक है ना। तो ये लाइनिंग आप यहाँ लिख लेते हैं और यहाँ पर जो फार्मूला अप्लाई होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू एंड साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए एंड प्लस सी। ये आप फार्मूला जो पढ़े हैं एक्सरसाइज 7.7 जो डिलीट हो चुका है, देखिए डिलीट जरूर कर दिया गया है 2020 एंड 21 के अकॉर्डिंग, बट यूज़ ज़रूर करना है इसमें, तो इसको सॉल्व करना है। अब मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, ऐसे ही फिफ्थ क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर फोर्थ पार्ट को ये पार्ट रब कर दे रहा हूँ और ताकि उसकी वैल्यू सॉल्व कर पाएँ, ठीक है, रब कर दें इसको। चलिए देखिए ज़रा, अभी उसको बाकी है, फार्मूले थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि 7.7 आई थिंक डिलीट कर दिया गया था, तो उसको हमें याद रखना होगा, तीन फार्मूले थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, तो यहाँ पर वैल्यू देखिए ये आ जाएगा 3 एंड इसको लिखेंगे एक्स एक्स अपॉन टू, दैट मीन्स एक्स अपॉन टू अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मीन्स हमारे पास हो जाएगा 4 स्क्वायर अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, दैट मीन्स एक्स अपॉन 4 एंड द लिमिट इज 0 टू 4, ओके। तो लिमिट इज 0 टू 4, सो अब लिमिट पुट करिए, एक बार एक्स के प्लेस पर 4 पुट कर दीजिए, तो 4 अपॉन 2 एंड देयर फोर 4 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर एंड 4 स्क्वायर इज 16 अपॉन 2 इज 8 आ जाएगा, यहाँ आ जाएंगे साइन इनवर्स 4 अपॉन 4, वन पार्ट आ गया, माइनस अगर 0 पुट करेंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस 8 साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, हो गया ना, साइन इनवर्स 0 अपॉन 4, दैट मीन्स ये भी टोटल 0 आ गया, तो ये आ गया 3, ये पूरा पार्ट 0 हो गया प्लस 8 साइन इनवर्स 1 बचेगा, साइन इनवर्स 1 साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, सो पाई बाई 2 मिल जाएंगे, और माइनस यहाँ तो पूरा पूरा 0 हो गया, तो 2 4 8 आ गया, इसका मतलब 3 × 4π विच इज इक्वल टू 12π स्क्वायर यूनिट, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th दोनों एक जैसा है, जैसा इसमें आपने y dx लिखे थे वहाँ पर लेना पड़ेगा, पॉइंट तो दे दिया जाएगा, जैसे कि 3 से 4 हो गया, y1 से y2, यहाँ x dy लिख देंगे तो क्वेश्चन नंबर 5th हो जाएगा, एक बार ट्राई कर लीजिएगा क्वेश्चन, एक बार इसको नोट कर लीजिए, चलें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ फिर, ठीक है।
देखा जाए क्वेश्चन नंबर सिक्स। एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। एरिया ऑफ द रीजन फाइंड करना है इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट इंक्लूड बाय एक्स एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट साथ ही साथ एक्स एक्सिस के द्वारा हो। एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री वाई, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री वाई। एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर। तो आपको तो इक्वेशन आप कर्व देख कर ही पता चल जाए कि एक इक्वेशन आप कर्व किस फिगर का है, सर्कल है, पैराबोला है, इलिप्स है। तो यहाँ पर एक्स एंड वाई का कोफिशियंट, एक्स स्क्वायर एंड वाई का कोफिशियंट बराबर होने पर ये एक सर्कल हो गया। तो हमें पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बिटवीन एक्स एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री वाई एंड दिस वन। इसके बिटवीन जो कर्व आपका जो एरिया बनेगी, शेडेड पोर्शन बनेगा, उसके आपको एरिया फाइंड करनी है। तो सबसे पहले एलिप्स को तो हम ड्रा कर लेंगे, देखिए सॉरी सर्कल को हम ड्रा कर लेंगे। देखिए सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर है, तो इसको आप लिख सकते हैं टू का होल स्क्वायर। मतलब एक सर्कल ऐसा होना चाहिए जो कि ओरिजिन से पास हो, यही ना मतलब है। देखिए रेडियस आपकी कितनी होगी, टू। सेंटर आपका इसमें सेंटर कितना हो गया, जीरो जीरो हो गया, सेंटर जीरो जीरो हो गया और रेडियस आपका टू हो गया। तो एक सर्कल आपको ड्रा करनी है जिसका सेंटर आपका जीरो जीरो हो। जैसे ये ले लिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका हो गया जीरो जीरो। रेडियस कितना ले लें, टू यूनिट ले लें। तो मान लीजिए ये वन हो गया, ये टू। एक सर्कल आप ड्रा कर दीजिए जो कि सेंटर जीरो जीरो हो। ओह सर्कल ही ड्रा नहीं होगा, हाँ। तो आप लोग क्या कीजिएगा, कंपास लेकर ड्रा कीजिएगा अच्छे से सर्कल, ठीक है ना। आप कंपास लेकर अच्छे से सर्कल को ड्रा करेंगे बिकॉज इस पर वन मार्क्स मिलता है। एक रफली मैंने एक्स स्क्वायर और इसका रेडियस आपका टू यूनिट है, तो ये पॉइंट आपका आ गया टू कामा जीरो। तो एक सर्कल ले लिए जिसका सेंटर जीरो जीरो और रेडियस टू कामा जीरो हो गया, ठीक है ना। और बराबर बराबर स्पेस होगा, जितना मतलब इतना एरिया यहाँ हो, उतना एरिया यहाँ, इतना एरिया ये सारे एरिया बराबर होगी। अब इस सर्कल को एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री वाई से कवर कराना है। इसके लिए आपको नहीं पता चलेगा तो एक लाइन इस तरह से कर लिया करिए जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। क्लास नाइन्थ में आप लोग पढ़े होंगे, इफ़ वाई इज इक्वल टू जीरो देन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री हो जाएगा ना। इफ़ वाई इज इक्वल टू वन देन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री नियर अबाउट मान लीजिए। इफ़ वाई इज इक्वल टू माइनस वन देन एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट थ्री है, तो अप्रोक्सीमेटली एरिया आपको पता चल जाएगा कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पर एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री लेकर चलते हैं। ये ऊपर लिख देता हूँ जीरो कामा जीरो, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री, मतलब अंडर रूट थ्री की वैल्यू 1.7 होती तो नियर अबाउट मान लीजिए ये वन है, तो 1.7 ऐसे चला जाएगा। एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री पर एक पॉइंट ये हो गया अंडर रूट थ्री। एंड वाई इज इक्वल टू वन है तो अंडर रूट थ्री यहाँ ले लिए, तो वाई इज इक्वल टू इफ वाई इज इक्वल टू जीरो देन एक्स इज इक्वल टू जीरो होगा ना। एक्स इज इक्वल टू जीरो मतलब ये जीरो जीरो से पास हो गई। और दूसरा पॉइंट हो गया इफ वाई इज इक्वल टू वन ले लिए देन एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू वन एंड एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री, तो पहले एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री चल दीजिए बाद में वाई इज इक्वल टू वन, और दूसरी बार एक्स इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट थ्री चलिए तो वाई इज इक्वल टू माइनस वन। मतलब आप खींचेंगे जब इसको तो इस तरह से लाइनिंग आ जाएगी और ये जो लाइन होगी वो एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री वाई के लिए होगा। और साथ ही साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही है। अब देखते हैं एक्स एक्सिस कहाँ, इसका मतलब एक्स एक्सिस कहाँ बनेगा, ये बिलो इधर आपका एक्स एक्सिस है, तो शेडेड रीजन आपको इसका निकालना है, इसका ये पोर्शन का, ठीक है ना। अगर बोलता वाई एक्सिस तो इस लाइन इस कर्व और वाई एक्सिस ये बनता, लेकिन आपसे बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये पूरा हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट साथ ही साथ एक्स एक्सिस का नाम ले लिया, इसका मतलब शेडेड रीजन नीचे वाला बनाना है, ठीक है ना। और बिटवीन जो होना चाहिए वो लाइन और कर्व के बिटवीन हो। तो इसके लिए करिए क्या, आपको निकालना तो ये पूरा है ओ ए और इसका नाम दे दीजिए ओ ए बी ओ की एरिया फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ है कि ये जो लाइन है इसको मैं थोड़ा रब कर रहा हूँ, ये एक देखिए एक सर्कल है, सर्कल ऐसे चल रहा है, सर्कल है, सर्कल और जो लाइन जहाँ से टकरा रहे हैं वहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर देते हैं ये लाइन। तो यहाँ पर दो चीज़ें बनती है, अगर यहाँ पर अगर टार्च जलाते हैं तो इसका शेडेड पोर्शन यहाँ बनता है और सर्कल का शेडेड पोर्शन यहाँ बनेगा, मतलब ये अलग बनेगी, ये पोर्शन अलग बनेगी, ये सर्कल का शेडेड पोर्शन होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा वो लाइन का शेडेड पोर्शन होगा। तो हमें इस पॉइंट को फाइंड करना है और सब पॉइंट फाइंड करने के बाद हम लिखेंगे ओ ए, मान लीजिए यहाँ सी ए, ओ ए सी ओ प्लस
ACBA के एरिया, दोनों के एरिया जोड़ देंगे तो OABCO के एरिया निकल आएगी। तो सबसे पहले कि ये लाइन यहाँ देखिए पॉइंट 0 0 हो गया, जब ये पॉइंट आपको पता चल जाएगा तो आप इसको ले सकते हैं, मतलब ये पॉइंट आपको निकालना जो कि लाइन और सर्कल के बिटवीन है। तो लाइन और सर्कल के बिटवीन देखिए लाइन का इक्वेशन है एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 3y और सर्कल का इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये दोनों आपस में टकरा रहे हैं पॉइंट ए पर, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा? इसके लिए एक्स की वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो अंडर रूट 3y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, देन 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अगर यहाँ पुट करते हैं तो एक बार x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 और दूसरी बार x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 आएगा। तो प्लस x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 कौन सा होगा? ये अंडर रूट 3 कब? जब y इज इक्वल टू 1 होगा, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो x की वैल्यू और y की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, और यहाँ पर जो दूसरा वाला पॉइंट होगा वो यहाँ का होगा, तो यहाँ का तो हमें लेना ही नहीं है ना, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो x क्वाड्रेंट चाहिए। तो हम लिखेंगे, अब देखिए क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेंट्रल रीजन ओ ए बी सी ओ, यहाँ पूरे रीजन की एरिया, यहाँ लिखिए एरिया, एरिया ऑफ सेंट्रल रीजन, सेडेड रीजन कौन सा? ओ ए बी सी ओ, ओ ए बी सी ओ विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन ओ ए सी ओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ सेडेड रीजन देखिए कौन सा, ओ ए सी ओ जो कि लाइन के द्वारा बनाई गई है, ओ ए सी ओ प्लस एरिया ऑफ रीजन ए सी बी ए प्लस एरिया ऑफ रीजन ए सी बी ए, ए सी बी ए इज इक्वल टू, अब देखिए एरिया ऑफ सेंट्रल रीजन, लाइन जो बन रहा है वह 0 से लेकर 3 तक है, देखिए एक्स वन से लेकर एक्स टू चलेंगे ना, तो यह आ जाएगा 0 to √3 वाई डी एक्स प्लस कर्व जो बनेगा, सर्कल जो बन रहा है वह यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये जो पॉइंट होगा वहीं यहाँ पर होगा, मतलब ये जो पॉइंट कितना होगा अंडर रूट 3 0, पहले यहाँ से चलेंगे अंडर रूट 3 और बाद में ऊपर 1 चलेंगे, तो अंडर रूट 3 से अंडर रूट तक, तो अंडर रूट 3 से 2 तक तो सर्कल का कर्व बना, सर्कल का सेडेड पोर्शन है, बट 0 से लेकर √3 तक लाइन का है, तो 0 से √3 लाइन हो गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जिसको बोलेंगे √3 से लेकर 2 तक y जो होगा वो कर्व के लिए लिया जाएगा, मतलब कर्व मतलब सर्कल का होगा। तो ये y जो बन रहा है, ये पोर्शन जो बन रहा है सेडेड पोर्शन, वो लाइन का बन रहा है, लाइन के y की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ से, y इज इक्वल टू कितना होगा x अपॉन अंडर रूट 3, तो ये आ जाएगा 0 to √3 एंड y इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट 3 dx प्लस अंडर रूट 3 से लेकर 2 तक y कर्व का, कर्व मतलब सर्कल के, सर्कल के y की वैल्यू निकाल लीजिए कितना आएगा 4 − x², तो यह आ जाएगा अंडर रूट 4 − x² एंड dx। नाउ इसकी एरिया फाइंड करनी, देख लीजिएगा मैंने दो पोर्शन बनेगा, एक लाइन का बनेगा दूसरा कर्व का बनेगा, बिकॉज बिटवीन से इसको डिवाइड कर दिए, तो अब इसके बाद क्या करना, उसकी एरिया फाइंड करनी, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए जरा, अब इसको जरा रफ कर देते हैं पहले इस पार्ट को, ठीक है। अब आप एरिया निकालिए, देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एरिया, मतलब दिस वन इज इक्वल टू 1 / √3 कॉमन ले लीजिए, तो 0 से लेकर √3 x dx प्लस यह आ गया √3 से लेकर 2 तक एंड 4 − x² को 2 − 2² − x² लिख दीजिए, तो एरिया इज इक्वल टू 1 / √3 एंड एक्स की एरिया x² / 2 एंड 0 to √3 और ये तो अभी देखे ही होंगे a² − x² विच इज इक्वल टू x / √a² − x² प्लस a² / 2 sin−1 x / 2 एंड द लिमिट इज √3 to 2। ओके, सो एरिया ए इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा 1 / √3 एक्स इज इक्वल टू √3 पुट कर दीजिए, सो √3² − 0 प्लस, अब देखिए एक बार अपर लिमिट पुट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 / √2² − 2² एंड 2 × 2 = 4, 4 का हाफ हो जाएगा एंड sin−2/2 −√3 पुट कर लीजिए तो ये आ जाएगा √3/2, यहाँ पर आ जाएगा 2² − √3² एंड प्लस, ये माइनस होगा तो माइनस माइनस यहाँ भी माइनस ही हो जाएगा,
ठीक है ना। और टू स्क्वायर अपॉन टू मतलब यहाँ आ जाएगा टू, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा और एक्स के प्लेस पर अंडर रूट थ्री पुट कर लीजिएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट थ्री अपॉन टू। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा एरिया, वन अपॉन टू अंडर रूट थ्री, और यहाँ से मिल जाएगा आपको कितना, थ्री मिल जाएगा ओनली, ठीक है ना, इंटू थ्री प्लस प्लस में ये जीरो हो गया पूरा, प्लस टू साइन इनवर्स वन की वैल्यू हो जाती है, साइन इनवर्स वन बचेगा जो कि 90 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन टू, और यहाँ आ जाएगा फोर माइनस थ्री माइनस टू, साइन इनवर्स थ्री रूट थ्री अपॉन टू, साइन थर्ट साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 मीन्स पाई बाई थ्री आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट थ्री अपॉन टू, ये कैंसिल हो गया, बचा पाई माइनस अंडर रूट थ्री अपॉन टू, फोर माइनस थ्री इज वन हो गया एंड माइनस टू पाई अपॉन थ्री, ये कैंसिल हो गया, थ्री पाई माइनस टू पाई इज इक्वल टू पाई अपॉन थ्री, इतना स्क्वायर यूनिट इज द एरिया ऑफ दिस एरिया क्वेश्चन नंबर 6 का हुआ। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसमें कर्व और लाइन के बिटवीन बना था, क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, शायद आ भी चुका इस तरह से क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक बार। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहा है आपसे, फाइंड द एरिया ऑफ स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एंड कट ऑफ बाय द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट टू। तो सर्कल को जब ये लाइन कट करती है तो उससे जो स्मॉलर पार्ट है, किसका, स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट की आपको एरिया फाइंड करनी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये देखिए सर्कल है, सर्कल जो इसका सेंटर होगा वह जीरो जीरो होगा, होगा ना, बिकॉज सेंटर जीरो जीरो और रेडियस ए स्क्वायर है, तो एक सर्कल ड्रा कर लीजिए जिसका सेंटर जीरो जीरो है और रेडियस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो एक एज्यूम कर लेते हैं कितनी भी रेडियस को लेकर, एक नॉर्मल किसी भी रेडियस मान ले 2-4 यूनिट की आप रेडियस लेकर एक सर्कल, अब सर्कल बनता ही नहीं है, तो सर्कल आप बनाने की कोशिश कर लीजिएगा, आप वो कंपास से भी बना सकते हैं, क्योंकि आपको पेपर में बनाना तो कंपास से बनाइएगा, आप हमारे जैसा मत बना दीजिएगा, एक रफली मैंने सर्कल ड्रा कर देता हूँ, ठीक है, एक रफली सर्कल ड्रा कर दिया, वो इलिप्स जैसा दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं, ये वाई डैश हो गया, ये वाई, एक सर्कल हमने ड्रा कर दिए और जिसका सेंटर जीरो जीरो, तो ये जीरो जीरो हो गया, ओके। और ये आपके रेडियस ए स्क्वायर मतलब रेडियस यहाँ से यहाँ तक ए होगी, तो ये जो क्वाड्रेंट होगा ये ए कामा जीरो, और ये क्वाड्रेंट जो होगा वो माइनस ए कामा जीरो, साथ ही साथ ये जो होंगे वो जीरो कामा ए और ये जीरो कामा माइनस ए हो गया, और ये लाइन एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट टू है, ए अपॉन अंडर रूट टू, मान लेते हैं कि ये जो आपका ए अपॉन टू होता, ए अपॉन टू होता तो, लेकिन अंडर रूट टू की जो वैल्यू होती है वो 1.414 होती है, मतलब हाफ से थोड़ा कम ही रहेगा, तो हाफ मान लीजिए यहाँ बन रहा, तो हाफ से थोड़ा कम मैंने ये ले लिया, एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन, जैसे इसको अगर आप सॉल्व करते हैं ए अपॉन रूट टू को, तो रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो ये आ गया ए अंडर रूट टू अपॉन टू आ जाएगा, मतलब अंडर रूट टू की वैल्यू 0.7 आ जाएंगे, 0.7 मतलब हाफ से थोड़ा ज़्यादा होगी, तो मान लेते हैं हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है ना, तो 0.7 आप मान लेते हैं, 0.7 है नियर अबाउट, चलो एक एक लाइन ही ड्रा कर लेते हैं, ये पोर्शन मान लीजिए आपका बन रहा है, ठीक है, ये पोर्शन हो जाएगा, अगर हम देखें तो एक्स इज इक्वल टू ये जो पॉइंट होगा यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस हो गया ए अपॉन रूट टू हो गया, तो क्वाड्रेंट हो गया ए अपॉन टू जीरो इस पॉइंट क्वाड्रेंट, ठीक है, और ये आपका हो गया ए 1.414 और ये 0.7, तो मतलब दो है ये पूरी, अगर ए मान लेते हैं तो ये 0.7 हो गया, 0.7 आप ही मतलब ए अपॉन रूट टू ए अपॉन 1.414 हो गया, मतलब एक से ज़्यादा थोड़ा हो गया था, तो ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी ये कम कर देते हैं मान लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये ज़्यादा होगी ये कम हो जाएगी। अब आपसे पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट, स्मॉलर पार्ट हमारे पास ये बनेगा, स्मॉलर पार्ट हमारे पास ये बन गया, ठीक है, अब ये जो बनेगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, वह होगा ए यहाँ से लेकर यहाँ तक का रीजन। अब देखिए ये सर्कल है, सर्कल जितनी एरिया यहाँ बनाएगी उतनी एरिया यहाँ बनाती है, मतलब हमें जो फाइंड करनी है वो एरिया ए बी, इसको नाम दे देते हैं सी डी ई एंड एफ, एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी ई एफ ए की फाइंड करनी है,
विच इज इक्वल टू, अगर हम ऊपर वाले के एरिया निकाल लेते हैं, बिकॉज ये लाइन सीधी है तो शेडेड पोर्शन किसका बनेगा, ओनली सर्कल का बनेगा। इस सर्कल के एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, या मतलब यहाँ ले या तो यहाँ, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना निकालेंगे, निकालने के बाद उसमें दो से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरी एरिया आ जाएगी। बिकॉज ये थोड़ी नहीं कहा कि एबव और बिलो में से एबव को लेना या फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना, ओनली ये बताया कि इस लाइन और इस सर्कल के बिटवीन जो एरिया बचेगा उसको लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे आप एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ए बी सी डी ई एफ ए इज इक्वल टू, हम लिख देते हैं टू इंटू, बिकॉज ऊपर और नीचे वाले, तो टू इंटू एरिया ऑफ रीजन ए बी सी डी ए, टू इंटू एरिया ऑफ शेडेड रीजन या रीजन ए बी सी डी ए बी सी डी ए विच इज इक्वल टू टू इंटू, अब देखिए कहाँ से कहाँ शेडेड रीजन बना रहा है, इसकी जो शेडेड रीजन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ये जो पॉइंट हुआ ए अपॉन अंडर रूट टू, बिकॉज ये डिस्टेंस ए अपॉन अंडर रूट टू है, तो ये हो गया ए अपॉन अंडर रूट टू से लेकर ए तक एंड वाई डी एक्स। वाई किसका, इस सर्कल का, इस सर्कल के वाई की वैल्यू लेना है, सर्कल यहाँ पर हमारे पास ये है, तो एरिया आ जाएगी, मैं लिख देता हूँ ओनली एरिया ए अपॉन अंडर रूट टू से लेकर ए तक एंड वाई की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, तो ये आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स विच इज इक्वल टू एक्स अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए एंड द लिमिट इज ए अपॉन अंडर रूट टू एंड ए, ठीक है ना। अब आप इसमें अपर लिमिट पुट कर दीजिए, ए अपॉन टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स ए अपॉन ए माइनस इसमें से लोअर, है ना, एक बार लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं तो ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, माइनस एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट टू, तो ए अपॉन अंडर रूट टू ए अपॉन अंडर रूट टू अपॉन टू एंड अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन टू प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू ए अपॉन अंडर रूट टू अपॉन ए आ जाएगा, तो ये कितना आएगा ए अपॉन टू इंटू जीरो और प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू साइन इनवर्स वन की वैल्यू हो गई पाई बाई टू, माइनस ये कितना आ जाएगा ए अपॉन टू अंडर रूट टू, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा ए अपॉन अंडर रूट टू प्लस ए स्क्वायर, ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, है ना, ये माइनस का ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर अपॉन टू, ठीक है, और यह ए से कैंसिल हो गया तो वन अपॉन अंडर रूट टू विच इज इक्वल टू साइन 45, तो यहाँ से इंटू पाई बाई फोर मिल जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन कर लीजिए, ये जीरो हो गया, ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर पाई अपॉन फोर, और यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन फोर माइनस ए स्क्वायर पाई अपॉन एट आ गया, ठीक है ना, और ए स्क्वायर पाई है तो आप चाहो तो सब में से ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा और ये बच जाएगा पाई बाई फोर माइनस वन बाई फोर माइनस पाई बाई एट, और इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, एट एलसीएम ले लेंगे तो एट एलसीएम ले लीजिएगा, चलिए अच्छा लिख देते हैं, एट एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा टू पाई माइनस टू एंड माइनस ओनली पाई आ जाएगा, ठीक है ना, और टू पाई में से पाई गया तो पाई माइनस टू अपॉन एट आ जाएगा, तो ये आंसर जो आएगा वो पाई माइनस टू अपॉन पाई माइनस टू ए स्क्वायर अपॉन एट आ जाएगा, इतना स्क्वायर यूनिट आ जाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है, जो कि आपको ये लाइन आपकी सीधी बन जाए, शेडेड पोर्शन ओनली सर्कल का बना, तो सर्कल के एरिया निकालने के पीछे हमने दो से मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर और नीचे वाला एरिया ना निकाल कर ऊपर के एरिया में से दो के मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका ये पूरा एरिया निकल जाएगा, जो कि लो स्मॉलर पार्ट है, स्मॉलर देखिए इस लाइन के स्मॉलर पार्ट इधर है और ज़्यादा पार्ट इधर होगा, तो स्मॉलर पार्ट के एरिया निकालने थे तो इसलिए हमने स्मॉलर पार्ट ले लिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखने के लिए, एक बार इसको रब कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, चलिए नोट कर लिए होंगे, कैलकुलेशन थोड़ा सा करना है आप उसको कर लीजिएगा, ये शेडेड रीजन जो है यहाँ ऐसे करना था, ठीक है, तो चलिए रब कर देते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
थोड़ा एरिया ऑफ साइडेड रीजन या एरिया बाउंडेड रीजन क्वेश्चंस थोड़ा अजीब हो जाते हैं कैलकुलेशन करने में, तो इसको देख लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्राई करते रहिए, अगर कहीं मिस्टेक लगता है तो बताइएगा, और कहीं कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती तो बताइएगा, साथ ही साथ समझ में नहीं आता तो आप मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लेते हैं, एक दो और दो तीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, देख लेते हैं 8 वाला भी। एरिया ऑफ द रीजन, एरिया बिटवीन द कर्व एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड एक्स इज इक्वल टू 4 इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, बिटवीन दिस एंड दिस इज डिवाइडेड इंटू टू इक्वल पार्ट बाई द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए। इसके द्वारा, इनके द्वारा जो ए रीजन बन रही है वो इस लाइन के द्वारा इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जा रही है, सो आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है एनसीईआरटी का चल रहा है, इसमें सबसे पहले देखिए ये दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, मतलब ये एक पैराबोला हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक पैराबोला ड्रा कर लीजिए, पैराबोला का ग्राफ ड्रा कर लीजिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए, इसको आप x लिख दीजिए, ये y एक्सिस, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x हो या y स्क्वायर इज इक्वल टू x हो, बात एक ही है। तो ये आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू x के, y स्क्वायर इज इक्वल टू x कर्व का ग्राफ हो गया। इस तरह से आप इसके कर्व इस तरह से ड्रा किए जाएंगे, साथ ही साथ x इज इक्वल टू 4 लिया है, तो x इज इक्वल टू 4 मान लीजिए, यह 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह 3 है 4, तो आप मान लीजिए x इज इक्वल टू 4 पॉइंट यहाँ पर है, इससे पास होते हुए एक लाइन ड्रा कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ बना दिया, x इज इक्वल टू 4 ड्रा कर दिया, ठीक है। अब जो रीजन बन रही है, देखिए पूछा है x इज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स और x इज इक्वल टू 4 के बिटवीन ये पूरा रीजन बन रहा है, ये रीजन x इज इक्वल टू ए के द्वारा, ए का मतलब कहाँ से पास होगा, वो पॉइंट टू से पास हो सकता है, तो वो कितना होगा ये नहीं पता, तो x इज इक्वल टू ए से ये हाफ पार्ट में डिवाइड होगा। अब देखिए x इज इक्वल टू ए हाफ में होगा, 2 होगा या कितना होगा ये नहीं पता, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर अगर होगा तो ये ज़्यादा पोर्शन बना रहा है, इसका मतलब हाफ से थोड़ा ज़्यादा मान लेते हैं, ऐसे ही मान लीजिए, तो ये हमने मान लिए। तो ये जो पॉइंट होगा वह, ये जो लाइन हो गई वह एक्स इज इक्वल टू ए के लिए होगा, तो ये जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, ए कामा 0 हो गया, और ये जो पॉइंट होगा वो कितना होगा, 4,0। तो ये जो रीजन बन रहा प्लस ये रीजन, जो एरिया फर्स्ट रीजन बन रहा है जो दूसरी रीजन बन रही, इन दोनों की एरिया बराबर है। तो ऐसे केसेस में एरिया आप ये वाली एरिया ले लीजिए, इसकी एरिया और इज इक्वल टू इस पोर्शन की एरिया, कौन से एरिया ऑफ सेकेंड पार्ट, ठीक है ना, इस बराबर कर दें, बिकॉज दोनों के एरिया बराबर ही है। तो ये कोऑर्डिनेट कहाँ से कहाँ तक होगा, ये 0 से लेकर 0। अब इसकी पूरी एरिया निकालने के लिए, फर्स्ट पार्ट की एरिया निकालने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ ही साथ एरिया लिखेंगे किसका, ओ इसका लिख दीजिए ए, बी यहाँ लिख दीजिए सी, ओ ए बी सी ओ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ओ ए बी, और इसको दे दीजिए बी हो गया, सी हो गया, इसको नाम दे दीजिए डी ई एंड एफ दे दीजिए, तो इसकी भी एरिया वही 2 टाइम्स कर देते हैं। मतलब हम यहाँ लिखते हैं, अगर यहाँ लिखेंगे सिंस गिवेन है एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी सी ओ ए बी सी ओ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन ए एफ, यहाँ से आप ले लेते हैं ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रीजन, रीजन ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ ए, मतलब इसकी एरिया और इसकी एरिया दोनों बराबर, ऐसा कहा है कि एक्स इज इक्वल टू ए लाइन जो है इसको हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो इसकी जो एरिया होगी वह 2 इंटू एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ, 2 इंटू एरिया ऑफ रीजन, एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ ए बी ओ इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ रीजन ए बी ई एफ ए, इसकी पूरी एरिया को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी प्लस इसकी हो जाएगी, तो 2 इंटू एरिया ऑफ साइडेड रीजन, या रीजन कौन सा रीजन, ए बी ई एफ, ए बी ई एफ,
या ए, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी, ओ ए बी ओ के लिए कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब 0 से लेकर ए तक है, 0 से ए तक y dx इज इक्वल टू यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब a से लेकर 4 तक y dx, ये आ जाएगा 0 से, y कर्व का होगा, ये कर्व का इक्वेशन होगा, तो y कर्व का कितना निकलेगा यहाँ से, अंडर रूट x dx इज इक्वल टू a से 4 तक अंडर रूट x dx, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, x टू दी पावर, इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए, x टू दी पावर 3/2 एंड 3/2, लिमिट इज 0 टू a, x टू दी पावर 3/2 एंड 3/2, लिमिट a टू दी पावर 4, तो यह आ गया 2/3 a टू दी पावर 3/2 माइनस 0, यहाँ आ गया 2/3 4 टू दी पावर 3/2 माइनस a टू दी पावर 3/2 कैंसिल, तो a टू दी पावर 3/2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर इंटू 3/2 माइनस ए टू दी पावर 3/2, 2a टू दी पावर 3/2 इज इक्वल टू 8, 2 4 जा 8, a टू दी पावर 3/2 इज इक्वल टू, आप इसको लिख दीजिए 4, सो a इज इक्वल टू 4 टू दी पावर 2/3, a इज इक्वल टू 4 टू दी पावर 2/3, इतनी वैल्यू आ जाएगी एक ही, ठीक है। कैलकुलेशन को आप एक बार चेक कर लीजिए, एक बार नोट कीजिए, फिर आगे बताते हैं आपको। नाइन्थ देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 9th। अब जो भी क्वेश्चन होंगे उनके हिंट दे देते हैं, साथ ही साथ फिगर ड्रा कर देते हैं, आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा उसको बता देंगे। जैसे इसमें पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और साथ ही साथ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x, इसके बिटवीन आपको एरिया फाइंड करनी है। तो जरा देखिएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई एज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जैसा पैराबोला होगा, और ये एक लाइन है, लाइन को अगर आप नहीं ड्रा कर पाते हैं तो इस तरह से बॉक्स बना लिया करिए, और इसमें से x एंड y की वैल्यू, जैसे y x इज इक्वल टू 0 पर y 0 होगा, x इज इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 1 होगी, x इज इक्वल टू माइनस 1 पर y की वैल्यू प्लस 1 होगी, माइनस 2 पर y की वैल्यू प्लस 2 होगी, बिकॉज ये मॉड है तो मॉड में नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो ये जो पैराबोला है इसका अगर आप ग्राफ देखें एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का, तो यह इस तरह से चलेगा, ओके तो ये मान लीजिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई की लाइनिंग है, कर्व है, इसका ग्राफ हो गया, और अगर इसको ड्रा करें तो एक्स इज इक्वल टू 0 0 यहाँ होगा, एक्स इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं और वाई इज इक्वल टू 1 इसी के ऊपर होगा। ऐसा क्यों होगा, क्यों मैं बोलूँ कि 1 1 यही होगा, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 1 और 1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक ऐसा पॉइंट जो कॉमन पॉइंट होगा वो पॉइंट इस लाइन के लिए भी और इस कर्व के लिए भी हो वो 1 1 है, बिकॉज 1 अगर यहाँ रख दें वाई भी 1 रख दें तो दोनों सेटिस्फाई कर देगा, इसका मतलब 1 1 पॉइंट यहाँ होगा। और इसी तरह से माइनस 1 और प्लस 1 देखें तो माइनस 1 एंड प्लस 1 यहाँ होगा, क्यों होगा भाई माइनस 1 एंड प्लस 1, बिकॉज माइनस 1 एंड प्लस 1 एक्स की वैल्यू माइनस रख दीजिए और वाई की वैल्यू प्लस 1 रख दीजिए, इसको सेटिस्फाई करेगा, और साथ ही साथ माइनस 2 एंड प्लस 2 है तो माइनस 2 एंड प्लस 2 इसी तरह से आगे चलेंगे, तो ये लाइनिंग ऐसे चली जाएगी। मान लीजिए यहाँ पर हम लेते हैं प्लस 2 ले लेते हैं तो 2 आता है, तो 2 आने पर मान लीजिए 1 हो गया, यहाँ 2 आने पर यह हो सकता है इस तरह आ जाए, तो कर्व कैसा जो लाइन आएगी वो इस तरह से पास होगी, देखिएगा ठीक है, ये इस तरह से चलेगी, इस तरह से निकल जाएगी आगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो साइडेड पोर्शन बना वो ये छोटा सा, देखिए ये साइडेड पोर्शन जो बना है इसी की एरिया निकालनी है, थोड़ा सा बड़ा बना दीजिएगा फिगर में, हाँ साइडेड पोर्शन ये बनेगा, तो इसमें क्या होगा, ये पैराबोला दोनों साइड में इक्वल स्पेस चलता है, इसको इक्वल एरिया बनाते हुए चलती है। इसका मतलब अगर हम निकाल लें ओ ए बी सी, ओ ए बी सी ओ की एरिया निकाल दें और उसका दो बार मल्टीप्लाई कर दें तो पूरे पोर्शन की एरिया आ जाएगी, ठीक है ना, पूरे पोर्शन मतलब दिस प्लस दिस आ जाएगा। तो यहाँ पर जो सेंटर है यह 0 0 है और जो ये कट कर रही है वो पॉइंट आपको पता हो गया, पॉइंट 1 1 पर कट कर रही है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ साइडेड रीजन, नाम दे दीजिएगा या डायरेक्टली लिख देते हैं एरिया, एरिया ऑफ साइडेड या बाउंडेड रीजन, है ना, एरिया बाउंडेड रीजन बिटवीन लाइन एंड कर्व है, या एरिया ऑफ साइडेड रीजन
इज इक्वल टू एरिया ऑफ टोटल साइडेड रीजन इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया ऑफ द रीजन ओ ए बी सी ओ, यहाँ शुरू करिए ओ और इस लाइन के ऊपर से होते चलिए ओ ए बी सी बी सी ओ, तो 2 इंटू एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ द रीजन ओ ए बी सी ओ विच इज इक्वल टू 2, एंड कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 1 तक, बिकॉज अगर यहाँ से खींच दिया जाए, इसको यहाँ से खींच दिया जाए तो देखिए ये आपका होगा 0 से लेकर 1 तक, लेकिन दो कंडीशन होगी इसमें, जो एरिया बन रही है ऊपर आपका लाइन है और नीचे कर्व है, तो जब आप स्ट्रिप ड्रा करेंगे तो वो स्ट्रिप ऐसे ड्रा होगी, ऐसे मान लीजिए हमने सी को थोड़ा बाहर कर देते हैं, तो ये स्ट्रिप देखिए ऐसे ड्रा हो रही है, छोटा सा बन रहा है, इस फिगर को बड़ा बना देते तो और अच्छा क्लियर हो जाता, मतलब देखिए मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, ये पैराबोला ऐसे चला होगा तो लाइन जो ऐसे चल रही है, ठीक है ना, ये साइडेड रीजन की बात कर रहा हूँ, तो इसमें देखिए क्या होगा, ऊपर में जो लाइन का बन रहा है रीजन और नीचे में जो है कर्व का बन रहा है, तो कर्व जब स्ट्रिप ड्रा करेंगे तो ये देखिए इस तरह से बन रहा है स्ट्रिप, जो यह है इसका मतलब ये पोर्शन आपका डार्क है और ये पोर्शन ओपन है, तो हमें तो इसको तो नहीं लेना है, एरिया तो बिटवीन का लेना है, इसलिए हम करेंगे क्या, ये पूरा पोर्शन मतलब इसमें से लाइन के एरिया में से कर्व के एरिया, नीचे वाला जो होगा वो कर्व का साइडेड पोर्शन होगा और ऊपर से नीचे तक होगा वो लाइन का होगा, तो बीच का निकालने के लिए लाइन में से कर्व को माइनस कर देंगे तो बीच की एरिया निकल आएगी, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय लाइन माइनस बाउंडेड बाय इस कर्व को जो नीचे है उसको माइनस कर दीजिए तो दोनों के बीच में की एरिया निकल आएगी, विच इज इक्वल टू यहां लिख देंगे, आप लिख दीजिए पहले एरिया, लिमिट लिख दीजिए, लिमिट कहां से कहां तक है, पहले लिमिट लिख दीजिए 0 से लेकर 1 तक, 0 टू 1, यहां लिख दीजिए एरिया ऑफ रीजन, मैं यहां लिख देता हूं समझाने के लिए, बाउंडेड बाय लाइन माइनस एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व, ठीक है ना, इन दोनों को माइनस करेंगे, ऊपर वाले के एरिया में से नीचे को माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 2 लिमिट 0 टू 1 एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय लाइन, लाइन का, लाइन के y की वैल्यू देखिए, ये जो लाइन है इस लाइन के इस साइड में जो इक्वेशन लाइन का इक्वेशन होगा वो y इज इक्वल टू x का होगा और इस साइड में जब चलेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस x का होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कैसे, y की वैल्यू पॉजिटिव आएगी जब x की वैल्यू ग्रेटर देन, आइदर हमने ग्रेटर देन ले लिए तो यह होगा और x की वैल्यू माइनस होगी जब लेस देन 0 होगा, तो ग्रेटर देन x की तरफ मतलब 0 से बड़ी की तरफ y की वैल्यू y इज इक्वल टू x होगा और 0 से लेस देन चलने पर y की वैल्यू माइनस x लेना पड़ेगा, तो इसीलिए हमने इधर की एरिया लेकर चल रहे हैं, तो y इज इक्वल टू यहाँ एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय लाइन, तो लाइन के y की वैल्यू मतलब आप लिख दीजिए y लाइन में से आप 0 टू 1, मैंने ओपन कर दिया इसको दोनों के साथ लिख दिया, माइनस 0 टू 1 एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय कर्व, कर्व किसका, इस पैराबोला का, तो y कर्व को, y मैंने यहाँ कर्व लिख दिया, मतलब y कर्व का मतलब हुआ कर्व के y की वैल्यू में से, तो यह आ गया 0 टू 1 y लाइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x dx में से 0 टू 1 y कर्व की y की वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर को माइनस कर दीजिएगा, तो यह आ गया कितना, यह आ गया 2 एंड एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एंड द लिमिट इज 0 टू 1 और यहाँ आ जाएगा 3 अपॉन 3 एंड द लिमिट इज 0 टू 1, तो यह आ गया 2 एंड 1 अपॉन 2 1 माइनस 0, ठीक है ना, ये पूरा आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और माइनस 1 अपॉन 3 एंड 1 माइनस 0, तो ये आ गया 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 12 स्क्वायर यूनिट, 1 अपॉन 12 स्क्वायर यूनिट आ जाएगी एरिया, तो देखिएगा ऐसे अगर कोई बिटवीन द कर्व बनेगा, बिटवीन द लाइन एंड कर्व बनता, तो उसमें से अपर जो फिगर, अपर जिसकी जिस कर्व या लाइन का जो ग्राफ जाएगा ऊपर वाले में से, उसमें से नीचे वाले को माइनस करेंगे तो बिटवीन के एरिया निकलती है, तो दोनों का डिफरेंस कर दिया करेंगे, ठीक है ना। अब ऐसे क्वेश्चंस है, नाइन्थ हो गया तो दो तीन क्वेश्चंस और उसको भी देख लेते हैं, जहां पर पॉसिबल होगा वो बता देंगे, बाकी आप ट्राई कर लेने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। नाइन्थ हो गया, टेंथ क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसको रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर टेंथ भी अच्छा क्वेश्चन हो ऐसे, तो इसको रब कर दें टोटल। चलिए
क्वेश्चन नंबर 10th एंड 11th, आई थिंक 11th इज इजी है, तो 10th आप देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 10th दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन x इज इक्वल टू 4y-2 के बिटवीन है, ठीक है। और सिमिलरली सारे हैं इजी, उसके बाद आप 11, 12 सारे इजी आप इसको ट्राई कर लेंगे, ठीक है। 11, 12 तो मैं एक बार 10th लास्ट बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, तो ये तो आपका पैराबोला हो गया। कौन सा पैराबोला? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का है, लेकिन ये लाइन है। तो लाइन के लिए आप एक काम कीजिए, इसमें आप इस तरह से टेबल बना लिया गया ताकि कुछ पॉइंट मिल जाए जिसको लेकर आप ड्रा कर सकें। जैसे मान लीजिए एक्स ले लेते हैं वाई, इफ एक्स इज इक्वल टू 0 रखते हैं यहाँ पर, तो 0 इज इक्वल टू 4y-2, सो y इज इक्वल टू 1/2, मतलब 0.5, तो यहाँ आ जाएगा 0.5। x इज इक्वल टू अगर मान लीजिए 2 ले लेते हैं, ठीक है ना, 2 ले लीजिए, तो 2 + 2 = 4, देखिए 2 रख देंगे तो 4y-2, देयर फोर y इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा। और x इज इक्वल टू -2 रख कर देख लीजिए, -2 ऐसा रखे जो कैलकुलेशन हो सके, दैट -2 रख देंगे तो -2 4y-2, सो y इज इक्वल टू 0। और अगर x इज इक्वल टू मान लीजिए आपने रख दिए, x इज इक्वल टू सपोज कीजिए आपने 0, 1 रखना चाहेंगे तो 3 आएगा, डिवाइड करने में प्रॉब्लम आएगी। -2 रख दिए, -3 रखेंगे तो -3, -3 इज इक्वल टू 4y-2, सो y इज इक्वल टू -1/4 -0.25 आ जाएगा। तो -3 रखने पर यह आ जाएगा -0.25। ओके, तो इस तरह से आप देख लीजिएगा 0। अगला जो रखते हैं, मान लीजिए आपने x इज इक्वल टू -3 रखते हैं तो ये माइनस आ जाता है। ओके, -4 रखेंगे तो -4 मतलब माइनस आता जाएगा, मतलब -3 से -2 के बाद से ये ऊपर की तरफ नेगेटिव तरफ आना शुरू कर देगी, ठीक है ना। और पॉजिटिव रखना चाह रहे हैं, जैसे 6, 4, 10 जो भी रखते हैं तो पॉजिटिव आ रहा है। जैसे ग्राफ देखते हैं कैसा आ रहा है, सबसे पहले इसको ड्रा करना है, तो पहले आप पैराबोला ड्रा कर लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद सिमिलर क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा आप। ये आ गया पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y मान लेते हैं, ये आपका है, ये आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y हो गया। और एक्स इज इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 0.5 हो गया, एक्स इज इक्वल टू 2 पर y इज इक्वल टू 1, देखते यहाँ है कि नहीं है। जैसे एक्स इज इक्वल टू 2 यहाँ पुट कर दीजिए, y इज इक्वल टू 1 यहाँ पुट कर दीजिए, तो 4 इज इक्वल टू 4, मतलब 2 और 1 इस कर्व के ऊपर ही होगा। एंड एक्स इज इक्वल टू -2 ले लेते हैं, तो मान लीजिए -2 ले लेते हैं, -2 0 यहाँ हो गया, -3 से -3 अगर लेते हैं तो -3 से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से चलना शुरू कर दे रही है, ठीक है। तो इस तरह से चलना शुरू कर दे, तो ये देखना है कि मतलब ये लाइनिंग कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी फिर, हाँ ये ऐसे चलेगी। इसको और थोड़ा सा आगे ले लीजिएगा, क्या पता कहाँ पर 2 होगा, ऐसे 2 और 1 को ले लिए, तो मान लीजिए 2 और 1 यहाँ है ताकि लाइनिंग खींच सकें इसको, है ना, ये यहाँ मान लीजिएगा। तो आप रफली नहीं, आप उस तरह से स्केल मान कर चलेंगे तो अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे, मैं तो एक रफली ड्रा कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया, अच्छा ये जो पॉइंट हो गया -2, 0 हो गया, ये आपके शेडेड रीजन जो बनेगा, ये रीजन बनेगा आपका शेडेड रीजन, ये बना, मतलब हमें एरिया जो फाइंड करनी है यहाँ से लेकर जो कट किया है यहाँ तक, ये जो पॉइंट हो गया, ये तो पॉइंट आपको पता ही था x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 है। और ये पॉइंट कितना होगा, इसको निकालना चाहें तो ये लाइन, लाइन का इक्वेशन कितना है, x इज इक्वल टू 4y-2, है ना, x इज इक्वल टू 4y-2 और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये दोनों इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेते हैं तो दोनों क्वाड्रेंट निकल आएगा। उसके लिए फिर ऊपर लाइन का है तो लाइन में से कर्व के एरिया को माइनस कर देंगे तो आपको बीच की एरिया मिल जाएगी, जो ऊपर का एरिया, ऊपर जो लाइन की जा रही है नीचे से कर्व पास हो रहा है, इन दोनों को बिटवीन पूछा गया, तो इसका मतलब वाई लाइन में से वाई कर्व को माइनस कर दीजिए तो बिटवीन एरिया निकल आएगी। आपको ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना, इसको ए मान लीजिए, बी ले लीजिए, सी डी, और आपको जो लेना है या ओ, तो हमें निकालना ए बी ओ, एक एरिया निकालनी है विच इज इक्वल टू, हम लिखेंगे, हम पहले तो एक काम करिए, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालिए फिर उसके बाद करते हैं। तो ये पॉइंट निकालने के लिए इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है और एक्स इज इक्वल टू 4y-2 आप यहां रख दीजिए, तो यह आ गया 4y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, सो 16y² एंड प्लस 4 - 2, 2 जा 4, 4 जा 16y विच इज इक्वल टू 4y, सो 16y² - 20y एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 0,
और यहाँ से 4y4 कॉमन ले लीजिए। सो यह आ जाएगा आपका 4y² - 4π 20+1 विच इज़ इक्वल टू 0, आइदर 4y² - 4y - y+1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4y कॉमन, y-1 एंड y-1 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1/4, ठीक है ना। तो y की वैल्यू आप यहाँ पुट कर लीजिए, ये भी देखना है अभी, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप लिख दीजिए व्हेन y इज इक्वल टू 1, तो देन x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 4y-1 इज 2 मिल जाएगा। और जब y इज इक्वल टू 1/4 होगा यहाँ पर, तो x इज इक्वल टू -1 मिल जाएगा, ठीक है ना। ये देख लीजिएगा, y इज इक्वल टू 4 रखने पर, y इज इक्वल टू 1/4 रखने पर 1-2 इज -1। तो ये जो पॉइंट आएगा, ये पॉइंट a को यहाँ लिख दीजिए, ये जो पॉइंट आएगा ये आ गया x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 1/4, और ये जो पॉइंट हो गया वो 2 एंड 1 है, तो ऑलरेडी मेंशन है। तो रीजन हमें जो लेना है, एरिया ऑफ साइडेड रीजन किसका निकालना है, ए बी ओ ए, हम लिख रहे हैं यहाँ पर एरिया ऑफ साइडेड रीजन, एरिया ऑफ साइडेड रीजन ए बी ओ ए विच इज इक्वल टू पूरी एरिया, मतलब एरिया ऑफ रीजन डी ए बी सी ओ डी ए। देखिए मैं लिख रहा हूँ एरिया, एरिया ऑफ रीजन, रीजन कौन सा, डी ए या डी लिख दिया था, डी ए, यहाँ से मतलब यहाँ शुरू कीजिए, पूरे बड़े में से इसको माइनस करना, डी ए बी सी डी माइनस इसमें से करना है, माइनस एरिया ऑफ रीजन किसका, कर्व का, सेडेड नहीं होगा, हम सेडेड नहीं लिया ना, एरिया ऑफ रीजन कौन सा, डी ए ओ बी सी, देखिए डी ए ओ बी सी, डी ए ओ बी सी ओ डी, बी सी ओ डी, मतलब ये पूरा नाम दे दिया, कौन सा, यहाँ से चलना है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक की, ये पूरी एरिया माइनस कर दे रहे हैं। तो ये कितना हो गया, अब आप लिख सकते हैं इसको, लिमिट कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक, मतलब -1 से लेकर +2 तक, -1 से लेकर +2 तक एरिया ऑफ रीजन डी ए बी सी डी, मतलब ये पूरी एरिया जो होगी, बड़ा वाला एरिया, यहाँ से यहाँ तक लाइन के लिए है। तो यहाँ पर ले लीजिए वाई की वैल्यू लाइन के लिए, उसमें से -1 से लेकर 2 तक y की वैल्यू कर्व का जो बनेगी, कर्व किसका है, पैराबोला का, तो पैराबोला नीचे, इसलिए नीचे से माइनस कर देंगे पैराबोला को। तो यह आ गया -1 से लेकर 2 तक, और लाइन y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू लाइन के निकाल लीजिए यहाँ से, y इज इक्वल टू हो जाएगा x+2/4, ये ना होगा x+2/4, तो यह आ गया x+2/4 dx, -1 से लेकर 2 तक y कर्व की वैल्यू हो जाएगी x²/4 dx। तो यह आ गया 1/4, इंटीग्रेशन देखिए x²/2 + 2x, और लिमिट इज -1 से 2 तक, 1/4 x³/3 एंड लिमिट -1 से लेकर 2 तक। तो यह आ गया 1/4, यहाँ देखिए अपर लिमिट रख दीजिए 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 2 जा 4, माइनस यहाँ रख दीजिए 1/2 एंड -2, और यह आ गया -1/12, यह आ गया 8 -1, ठीक है। तो सॉल्व कर लीजिएगा 1/2 4+2 इज 6, -2 2 जा 4, -4+1 इज -3, सो +3/2, ठीक है, +3/2 यह आ गया, और यह आ जाएगा माइनस, ठीक है ना, -1/12 × 7, तो 2 6 12 और +3, 2 6 12, तो यह आ गया 1/4 एंड 2 6 12 + 3 15/2 एंड -7/12, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ही स्क्वायर यूनिट आ जाएगा, मतलब 15/8 हो जाएगा, -7/12 इसको सॉल्व कर लेंगे तो एरिया ऑफ रीजन 1/10 में का आ जाएगी, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन नंबर 10th रहा है, और साथ ही साथ इसके बाद आपके जो 11, 12th एंड 13 क्वेश्चंस है ये बहुत इजी है, उसके बाद आप इस क्वेश्चंस को ट्राई कर लेंगे, बिकॉज सिमिलर क्वेश्चंस है, इस तरह से क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज 8.2 में, जिसमें से कुछ क्वेश्चन रिलीट किया गया है और कुछ पढ़ना है तो उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखिए एक्सरसाइज 8.2 के लिए फिर।